गाल और बाल ही मत सजाओ। आजकल बड़ा फैशन चला है गाल और बाल सजाने का। नहीं, एक आया था अभी, मैं यहीं बैठा हूँ, एक लड़का, आजकल ऐसी फैशन ऐसा फैशन चला है, वो बाल है ना इधर से गायब है, चार अंगुल इधर से गए, बीच में रखा हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया इस आदमी को, पागलपन तो देखो। मैंने कहा यार ये है क्या, वो मैं बिहार कर रहा था, बिहार करते बंबई से आ रहा था, हाईवे पे मैंने देखा कि दो आजू बाजू सर्विस लाइन होती है ना, साइड में चलने के लिए, इधर सर्विस लाइन इधर सर्विस, चार अंगुल की ये सर्विस लाइन, चार अंगुल की ये सर्विस लाइन, बीच में फ्लाई ओवर। अरे आदमी पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है बालों का, है ना। बाल और गाल कोई सुंदर मत बनाओ, बाल और गाल सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, जुबान को सुंदर बनाओ, वाणी को सुंदर बनाओ तो सारी दुनिया अपने प्रति आकर्षित हो जाया करती है। कभी विचार किया 1000 लीटर नींबू का रस कितना 1000 लीटर नींबू का रस यदि इस पंडाल में लाके रख दिया जाए तो एक भी चींटी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। 1000 लीटर नींबू का रस, एक भी चींटी उसके पास नहीं आएगी, और एक बूंद चाशनी गिरा दी जाए, हजारों चींटियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाया करती हैं, हजारों चींटियां उसकी तरफ आ जाती हैं। अपनी वाणी को नींबू जैसा खट्टा मत बनाओ, अपनी वाणी को चाशनी जैसा मीठा बनाने का प्रयास करिए। हजारों लोग आकर्षित हो जाएंगे मीठी वाणी से, हजारों लोग तुम्हारी तरफ आएंगे, वाणी में मिठास होना। खट्टा नींबू क्या दशा होती मालूम, नींबू की बेचारा बाजार से आता है, यूं यूं दबाया जाता है, दबाने के बाद उसे चाकू से काट दिया जाता है, दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर निचोड़ा जाता है, और निचोड़ने के बाद सड़कों पर फेंक दिया। खट्टे लोगों की यही स्थिति होगी, ध्यान रखना, निचोड़े जाओगे, सड़कों पर फेंके जाओगे, सैकड़ों लोग तुम्हारे ऊपर लाते रख के निकल जाएंगे। ध्यान, चाशनी बनो, मीठे बनो, वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए, लेकिन आज वीणा की झनकार नहीं, वाणी में बाण बसे हुए हैं, ध्यान रखना। एक महाभारत का युद्ध हुआ इस देश में, एक बात याद रखना, ये महाभारत द्रौपदी के चीरहरण से नहीं हुआ है, ये महाभारत जुए में हार जाने से भी नहीं हुआ है, ध्यान रखिए, ये महाभारत शकुनी के पासे बदलने से भी नहीं हुआ है, ये महाभारत इस देश में यदि हुआ है तो ध्यान रखना दुर्योधन के कारण भी नहीं हुआ है, ये महाभारत इस देश में यदि हुआ है तो द्रौपदी के कारण इस देश में महाभारत की रचना हुआ करती है। मान्यवर आप विचार करिए, जब पांडवों को खंड प्रस्थ दिया गया कि जाओ, पांडु पुत्र धृतराष्ट्र ने कहा खंड प्रस्थ तुम्हें दिया जाता है, पूरा हस्तिनापुर दुर्योधन को दिया जाता है, ध्यान रखना, प्रस्ताव रखा, सुलह की बात हुई, दुर्योधन ने खंड प्रस्थ दे दिया, जहां ना पानी बरसता था ना जहां फसल होती थी, बंजर भूमि, जाओ वहां रहो। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, यदि हम में ताकत होगी तो खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना करके रख दिया जाएगा, ध्यान रखे, हौसले बुलंद होना चाहिए। खंड प्रस्थ दे दिया, जहां पर खंडर ही खंडर है, बंजर भूमि है, पांचों पांडवों ने पुरुषार्थ किया, मेहनत की, खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में तब्दील कर दिया और इतना सुंदर बनाया, आज कितने भी बड़े आर्किटेक्ट हों वो व्यवस्था नहीं ला सकते हैं, कैसे लोग थे, कैसी बुद्धि थी उनकी, बिना पढ़े लिखे भी इतना सब कुछ कर लिया करते थे, इतना सुंदर पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि युधिष्ठिर अर्जुन ने इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ
हजारों लोग देखने जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत। दुर्योधन ने कहा कि मैं भी तो चल के देखूं। गया इंद्रप्रस्थ में, और जैसे ही इंद्रप्रस्थ पहुंचा दुर्योधन, इतना अद्भुत महल था, जो दिखता था वो होता नहीं था और जो होता था वो दिखता। दुर्योधन ने अपनी धोती संभाली, उसे लगा कि यार यहाँ तो पानी पानी दिखाई दे रहा है, धोती संभाल करके चल रहा है, वहां तो पानी था ही नहीं, केवल दिखाई देता था। आगे देखा दुर्योधन ने, रंगोली बनी हुई है, चौक पूरे हुए हैं, बहुत सुंदर है। अरे बोले यहां से तो आ गया, अब क्या धोती पकड़ना, अब क्या अपने को संभालना, इतना सुंदर। आंखें फटी की फटी रह गई दुर्योधन की। आगे बढ़ा, पानी था, गिरा छपाक से पानी में, पूरे कपड़े गीले हो गए, जोरदार अट्ठास हुआ झरोके से, बड़ी जोर से व्यंग की हंसी आई। उसने कहा, देवर जी ये क्या हो गया? द्रौपदी की आवाज आई, गिर गए। अरे संभल के चलना सीखो देवर जी। पानी में गिरा हुआ दुर्योधन भीगा हुआ, द्रौपदी ने कहा, गिर गए ना, अब पता पड़ा कि इंद्रप्रस्थ क्या है और हस्तनापुर क्या है। अरे तुम कैसे संभलोगे, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। बस यहां से महाभारत शुरू हो जाया करती है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत नहीं था, जुए में हारना महाभारत नहीं था, द्रौपदी का एक तीखा वचन कि अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, बस इतनी सी वचन महाभारत की रचना करते हैं, ध्यान रखिए। उसी दिन दुर्योधन ने कसम खा ली कि आज जो अपमान तूने मेरा किया है, आज जो भरी सभा में तूने मेरा उपहास किया है, एक दिन भरी सभा में तुझे नग्न नहीं किया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात ध्यान रखना, शब्द को संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, ध्यान रखिए। एक वाणी जीवन को तबाह कर देती है। अपमान किसी का मत करो, ध्यान रखना, बड़ा आदमी तो छोड़ो, छोटा सा तिनका का भी अपमान मत करना, वरना कितने भी बड़े योद्धा बन जाओ, एक तिनका आंख में चला जाए तो सारा युद्ध धरा रह जाया करता है। ध्यान रखिए, वाणी अच्छी बोलिए, किसी को अपमानित मत करिए। एक तीखे वचन ने, एक कटु वचन ने महाभारत की रचना कर दी। ध्यान रखिए, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, विपत्तियों को आमंत्रण मत दो, मुसीबत को आमंत्रण मत दो। एक तीखा वचन हजार विपत्तियों को लेकर अपने साथ आया करता है। ध्यान रखिए, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। जो काम शक्ति से नहीं होते वो काम मिठास से हो जाया करते हैं। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जुबान में। ध्यान रखिए, पूरे शरीर में हड्डियां हैं, जुबान में हड्डी नहीं है, क्योंकि शक्ति पसंद नहीं करता वो ईश्वर, जुबान तो मुलायम होती है ना। ध्यान रखिए, जुबान जितनी मुलायम है वचन उससे ज्यादा मुलायम होना चाहिए। एक बात याद रखना, जुबान में हड्डी तो बिल्कुल नहीं होती, एक भी हड्डी नहीं है जुबान में, लेकिन एक बात याद रखना बारामती वालों, उसमें हड्डी तो एक भी नहीं होती है, लेकिन ताकत इतनी है कि सारी हड्डियां तुड़वा के रख देगी। ध्यान रखना, एक भी हड्डी नहीं बचेगी, यदि वो अपनी पे आ गई तो सारी हड्डियां तुड़वा देगी तुम्हारी। बहुत महत्वपूर्ण है जुबान का, ध्यान रखना। आंख एक है, आंख दो है, काम एक है, ये आंख भी देखती है, ये आंख भी देखती है, कान दो हैं, दायां कान भी सुनता है, बायां कान भी सुनता है, नासा द्वार दो हैं, दाई नासिका, रामदेव बाबा अनुलोम विलोम दो होती है। ध्यान रखिए, विचार कर, बड़ी दिक्कत हो गई इस देश में। किस्मत है मेरी कि इतनी महिलाएं और इतने पुरुष मेरे प्रवचन में आ रहे हैं, वरना टाइम किसके पास है, महिलाओं के पास तो और भी नहीं है। एक महिला से मैंने पूछा, प्रवचन में नहीं आती? बोले नहीं आती महाराज। मैंने कहा क्यों नहीं आती है? बोले करूं क्या महाराज, रात को 12 बजे तक तो एकता कपूर जगाती है, रात को 12
तक तो एकता कपूर नहीं सोने देती है, और सवेरे 4 बजे रामदेव बाबा जगा देते हैं। हम करें कहां से आए तुम्हारे प्रवचन में, इतने बिजी हैं हम लोग, ध्यान रखिए। समझ मानने वाले, दो नासा द्वार है, काम एक ही है, दो हाथ है, काम एक ही है, दो पैर हैं, काम एक ही है, दोनों पैर चला करते हैं, लेकिन जुबान अकेली है, इकलौती है, इकलौती औलाद है अपनी लीलावती, साली लीला यही कराती है, यही रासलीला करा दे, यही रामलीला करा दे, लीलावती का सावधान इस लीलावती से, दो अंगुल की जुबान 5 फीट के शरीर का सत्यानाश करा सकती है, ध्यान रखिए। ये जो लीलावती बैठी है ना, इस पे कंट्रोल रखो, कंट्रोल कंट्रोल, ध्यान रखिए। ये जो लीलावती है बहुत नटखट काम करती है, पूरे शरीर में अकेली है, इकलौती औलाद है इस मुंह की, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो लीलावती है ना, है तो अकेली, काम डबल करती है, ध्यान रखना, एक चखना और एक बकना, ध्यान रखिए। जो दो हैं वो एक काम करते, जो अकेली है वो ये चखती भी है, और मीठा खाना याद रहा पर मीठा बोलना भूल गए, ध्यान रखिए। एक तोता तीखा तीखा खाता है, मिर्च खाता है तोता, मीठा मीठा बोलता है, और हम मीठा मीठा खाते हैं, बोल दो, तीखा तीखा बोलते हैं हमें जुबान से, जुबान को संभाल के रखो, वाणी सुंदर बना। एक कितनी भी सुंदर महिला हो, खूबसूरत महिला हो, आसमान से उतरी हुई परी हो, ध्यान रखना, आप सोचते हो ना कि थोड़ी सी लिपस्टिक से हम बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे, नहीं नहीं, कौन बोला महाराज हमारे पीछे क्यों पड़े हो तुम, ध्यान रख, लिपस्टिक लगा के आप सोचते कि हम सुंदर हो गए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ओंठ कितने भी सुंदर बना लो, कितने भी लिपस्टिक लगा लो, कितने भी पतले ओंठ हो जाएं तुम्हारे, कितने भी गुलाबी ओंठ हो जाएं, लेकिन वाणी कड़वी हो तो बताइए आपका सौंदर्य कितनी देर टिकने वाला है। ओंठों का सौंदर्य ज्यादा नहीं टिका करता है। मुझे तो समझ नहीं आता है ये महिलाएं लिपस्टिक लगा के अपने को सुंदर समझती हैं, आदमी तो लिपस्टिक नहीं लगाता ना, नहीं बारामती का मुझे पता, लगाते हो क्या, नहीं लगाते ना, एक बात बताओ, ये सोचते हैं लिपस्टिक से सुंदरता बढ़ती है, तो लिपस्टिक लगा के सुंदर दिखने वाली देवी हो, बिना लिपस्टिक वाले पे क्यों मरती हो, फैसला करो फैसला, ये तो लिपस्टिक जान इन पे ही देती है लोग, ध्यान रखिए। इसका मतलब है लिपस्टिक कितनी भी अच्छी हो, चेहरे की सुंदरता कितनी देर की, आधे घंटे। एक बात बताओ, एक सुंदर चेहरे को एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, बार बार देखोगे, उस चेहरे से भी जी भर जाएगा, ध्यान रखिए, ध्यान रखना। ज्यादा सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा, 1 साल 2 साल, कितनी भी सुंदर पत्नी ले आओ बेटा, साल भर बाद तो वही हालत है कि वो बड़बड़ा रही है, अपन चुपचाप सुन रहे हैं बैठ करके, खाना खाएगी तभी बोलेगी, ध्यान रखना। ये आदमियों की जिंदगी इसी में, बेचारे हर थके हुए हारे हुए तो आते हैं दुकान से, वो जैसे ही आया और इनकी रामायण शुरू हो जाया करती है, देवरानी ने ये कहा, जिठानी ने वो कहा, तेरी अम्मा ने एक परस्ते भी जा रही है। महिलाओं से निवेदन है, जब पति घर में आए तो उसकी थाली में रोटी परोसो, रोटी दिन भर की किचकिच मत परोसो उसकी थाली में, वरना थाली फेंक करके इतना परेशान। उसी समय मैंने एक महिला से बोला, खाते समय क्यों बोलती हो, बोले खाते समय तो वो चुपचाप सुनता है, मुंह में रोटी रहती है, सुनते रहता है, अपन बोलते जाओ, देवी बोलते जा रही, बोलते जा रही, बोलते जा रही है, वो बेचारा खाते जा रहा, खाते जा रहा, क्या करे, इधर सुने या इधर सुने, खा रहा, ऐसी हालत है जैसे सड़क के किनारे भुट्टा सिकता है ना, भुट्टे नहीं सिकते रहते, वो एक हाथ से हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, रोटी पटकते जा रही, भुट्टा सिकते जा रहा, सिक गया भुट्टा,
क्या रोटी खाए बेचारा। ध्यान रखो, खाते समय तो कहा है कुत्ते को भी परेशान, ये तो फिर क्या बोली, इतनी तेज है बारामती की महिला है, इतनी तेज इतनी तेज इतनी तेज कि एक दिन दो पति पत्नी बाजार गए, पति ने पत्नी से कहा तू कहे फैशन है, तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली क्या जरूरत है, बोली जब से तुम मिले हो, कौन बोला हर तमन्ना पूरी हो गई मेरी। ध्यान रखिए, एक बच्चा रो रहा था, बहुत जोरों से रो रहा था, पत्नी ने कहा देख भी नहीं सकते हो बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूं। तो बोले पहले सुन तो ले काय के लिए रो रहा है, अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं पहले सुन, बोले क्या, ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा कंधे पे बिठा के तीन चक्कर नहीं लगा सकते क्या, कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। ध्यान रखिए, एक बार यही दुर्घटना घट गई, एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एल्बम देख रहा था शादी का, बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, बोले हाँ, बोले मम्मी एक बात बताओ ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठकर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है। बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए, मान मीठा बहुत मीठा बोलिए जिंदगी, मीठी वाणी बोलिए, विचार करना है आपको, वाणी में मिठास भरो। लिपस्टिक से जीवन सुंदर नहीं होता है, लिपस्टिक की सुंदरता एक दिन दो दिन तीन दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है, ध्यान रखना। लेकिन यदि वाणी मीठी हुई ना तो मिलते समय भी अच्छा लगता है, और बिछड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है। ध्यान रखिए, मैंने बारामती में अभी ज्यादा घूमा नहीं हूं, उधर गया था पीछे एक दिन, इतने सुंदर मकान, मैंने कहा क्या गजब कर रिया भाई, मैं तो आया था गांव समझ के लेकिन ये तो शहरों को भी पीछे कर रहा है। ध्यान रखिए, डाउट है तो ताली मत बजा, है ना, इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मकान, इतने खूबसूरत फर्नीचर लगा है मकानों में, विदेशी टाइल लगे हुए हैं, ध्यान रखना, इतनी सुंदर डिजाइन है, महंगा फर्नीचर, महंगी कार खड़ी है दरवाजे के बाहर, विदेश से पर्दे मंगा के लगाए गए हैं, एक से एक सीनरी लगी हुई है, खूबसूरत संगमरमर लगा हुआ है, इतना सुंदर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसका बहुत महंगा मकान हो, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हो, बहुत अच्छा सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो, ड्रेसिंग टेबल बहुत सुंदर हो, अलमारियां बहुत सुंदर हो, एक बात बताना, और कोई उस घर में जाए, बस सब कुछ सुंदर हो, आपकी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, कितना सुंदर मकान है, लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ सुंदर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो, वो बदतमीजी से बात करता हो, एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो, और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए बैठिए, तो बताइए उस मकान की सुंदरता याद रहेगी आपको जाने के बाद, या उस आदमी का व्यवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद। ध्यान रखिए, आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा, और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है,
साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है। आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन, अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे, और घर जाओगे ये घटिया मकान याद करोगे या आदमी का व्यवहार याद करोगे। ध्यान रखिए, सुंदर मकानों को याद नहीं किया जाता है, सुंदर वाणी और व्यवहार को याद रखिए।